स्वागत है हम सब की। आज हम एक पाउडर बना रहे हैं, जो कि पाउडर ये हमारे घर में हमेशा रहता है। ये 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम मिश्री, 10 से 15 इलायची है छोटी, आधी चमची अजवाइन है, एक चमची काली मिर्च है, 6-7 लौंग है। इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। और ये जायफल का टुकड़ा है, आधी जायफल है। ये सभी चीज़ को हम मिक्सर में पीस लेंगे, इसका हम पाउडर बनाएंगे। मिश्री के टुकड़े कर दिए हैं और इसी में जार में दालचीनी और ये इलायची वगैरह सब डाल देंगे, फिर मिक्सी में पीस लेंगे। कुछ पाउडर इस तरीके से मिक्सी में पीस लेंगे और पीसने के टाइम पे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े करना और मिश्री के भी छोटे छोटे टुकड़े करना, वरना ब्लेड टूट जाएगा मिक्सर का। छन्नी से छान लेंगे। छन्नी में जो इतना जाड़ा जाड़ा रहेगा उसको एक बार और पीसना, और बाकी का कचरा रहेगा वो चाय की पत्ती में डाल देना। ये पाउडर इस तरीके से, ये पाउडर पूरा हो गया, किसी बर्नी में भर के रख देने का। ये चाय की पत्ती है जिसमें हमने तुलसी पहले मिक्स करके रखे थे, तुलसी के पत्ते, और जो हमने दालचीनी इलायची वगैरह का कट्टा जो मोटा वो हम इसमें डाल देंगे। 1.5 किलो चाय की पत्ती में ये पूरा जितना बचा हुआ है ये डाल देने का और मिक्स करके रख दें। चाय में टेस्ट अच्छा आएगा। हम हर खाने में हल्दी, मिर्ची और धनिया हमेशा हर खाने में डालते हैं। इसी तरीके से हमने जो ये पाउडर बनाया है, ये पाउडर भी आधा चम्मच हर खाने में डालने का। जो भी खाना बनाए, कोई भी भाजी हो, कोई भी वेजिटेबल हो, या कोई भी चीज़ बनाए, तो उसमें ये आधी चम्मच ज़रूर डालें। और अगर मुंह में छाले होए या गले में कोई खराश होए तो भी ये आधी चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो उसमें भी बहुत आराम होगा। छोटा मोटा पेट का इन्फेक्शन रहेगा उससे भी फ़ायदा होगा। ये हमेशा पाउडर बना के अपने घर में रखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और खाने में भी हमेशा डालें, ये हम आज से नहीं बहुत सालों से डालते हैं, तो हमको अच्छा है, इसीलिए हम आप सबको ये आइडिया दे रहे हैं और आप लोग भी इस आइडिया को फॉलो करें। थैंक यू।